नमस्कार, डिजिट हिंदी के इस न्यूज सेक्शन में आपका स्वागत है। और अब खबर सैमसंग के एआई असिस्टेंट बिक्सबी के बारे में। मैं यहाँ असिस्टेंट की खबर सुनने के लिए बैठा हूँ क्या? अबे यार, ये उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले असिस्टेंट के बारे में है जो फोन के अंदर होता है। काय का असिस्टेंट? एस और एसिड प्लस में वॉइस कमांड तो चलती वो नहीं इसमें। तो वही तो बता रहा हूँ ना, एक्चुअली सैमसंग गैलेक्सी एसेट और एसेट प्लस को इनबिल्ट वर्चुअल एआई असिस्टेंट बिक्सबी के साथ लॉन्च किया गया था। तो इस एप्लीकेशन की जो टक्कर थी वो सीधी गूगल असिस्टेंट, अमेज़न एलेक्सा और एप्पल सीरी के साथ थी। हाँ जी, टक्कर तो थी। फिर ये कि लॉन्चिंग के वक्त सैमसंग का बिक्सबी असिस्टेंट जो है वो वॉइस कमांड सपोर्ट नहीं करता था। हाँ जी, मैं बीवी वाला हाल था, वो भी वॉइस कमांड सपोर्ट नहीं करती। जो मर्जी कह लो, कोई रिप्लाई नहीं, करना वही जो उनका अपने मन हो। तेरी शादी हो गई? शादी ना हुई मेरी, पर आस पड़ोस में ताक झांक करके ना सारा पता चल गया। बदतमीज। वैसे सैमसंग ने अपने इस एप्लीकेशन का अपडेट लॉन्च कर दिया, जिसके बाद ये एप्लीकेशन अब वॉइस कमांड सपोर्ट करेगा। और अब ये एप्लीकेशन भी गूगल असिस्टेंट, अमेज़न एलेक्सा और एप्पल सीरी की तरह ही वॉइस कमांड पे काम करेगा। अच्छा, अब मैं न्यू बोलूं कि भाई बिक्सबी गर्लफ्रेंड नंबर 3 को कॉल करियो, यो करेगी के? नहीं, वो अभी नहीं करेगा। नहीं, क्यों? अभी क्यों नहीं, अभी क्या है? क्योंकि अभी ये अपडेट सिर्फ कोरिया में लॉन्च किया गया है, लेकिन जल्द ही ये भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। वैसे फिलहाल सैमसंग का एआई असिस्टेंट बिक्सबी सबसे पहले सैमसंग एसेट और एसेट प्लस में ही आया है, जो कि अभी हाल ही में बाजार में आए हैं। गैलेक्सी एसेट में 1440x2960 पिक्सल का रेजोल्यूशन है और इस फोन के जो फ्रंट पैनल में कोई फिजिकल बटन मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकता है। इसके अलावा इस फोन में 5.8 इंच और गैलेक्सी एसेट प्लस में 6.2 इंच का QHD सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। ये दोनों फोन IP68 तकनीक से लैस हैं, जिससे इसे डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन भी मिलता है। अच्छा, और बाकी भी तो बताओ ना। और बाकी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, कितने के हैं ये दोनों फोन बताइए? अब गैलेक्सी एसेट जो है वो 57,900 रुपए का है और गैलेक्सी एसेट प्लस है 64,900 रुपए का। हाय राम, महंगाई कर रखी बहुत मोदी साहब ने। मैं बात करूंगा मोदी साहब से तेरे लिए? ऐसी क्या बात हो गई? आप भी बात करो नीचे कमेंट में, विचार रखो अपने और वीडियो लाइक करो और शेयर जरूर करो और हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड बाय।